मानव मानव पहला स्टेज, मानव प्रकृति दूसरा स्टेज, और इन दोनों स्टेज के साथ ही अपने आप ब्रह्ममुक्ति हो जाती है। ब्रह्ममुक्ति कोई तीसरा स्टेज तो नहीं होगा। ब्रह्म मुक्ति तो हो गया, ब्रह्म मुक्ति का यहां ब्रह्म मुक्ति प्रमाणित हो गया, ब्रह्म मुक्ति प्रमाणित हो गया, प्रूव हो गया, उसका प्रमाण मिल गया। मैं ब्रह्म मुक्त हूं तो मेरा परिवार ठीक से होने लगता है, है ना। और बड़े लेवल पे हम फैलते हैं तो बहुत सारे परिवार मिलके ऐसा जीने लगते हैं, तो ब्रह्म मुक्ति का प्रमाण हो गया, है ना। समाधानित यहां पे भी है, समाधानित यहां पे भी है, ये धीरे धीरे प्रमाण सामने आ रहा है। ये प्रमाण परंपरा है अब की, अब तो अब ना तो हम प्रमाण के बिना आश्वस्त होंगे, नहीं नहीं मैं तो सब कुछ समझा हुआ हूं और मेरा जीना ठीक नहीं है तो कौन मानेगा, मेरे को भी कहां से आश्वस्ति होगी। तो प्रमाण होना, प्रमाण का मतलब है ना, समझ स्वयं में गति है, प्रमाण उस स्थिति है, प्रमाण उसका गति है। माने देव और दिव्य में जो कैटेगराइजेशन, मतलब फिनिश करूंगा अभी, क्यों माने जा, कोई दिक्कत नहीं। देव और दिव्य में जो कैटेगराइजेशन किया है वो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए मुझे गलतफहमी दूर होना, मतलब बात समझ में आ जाना, गलतफहमी दूर होने का मतलब ये बात समझ में आ गई है, अब अलग से समझने का कोई कदम बचा हुआ नहीं है। तो यहाँ मानव प्रकृति का एडजस्टमेंट हो जाने के बाद उसका मतलब ये ब्रह्म मुक्ति हो गई है अब, क्योंकि देव और दिव्य में फर्क किया जा रहा है इसलिए। ये लिखा मानवीय व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हो पाना। जब हम एक परिवार की सीमा में जीते हैं तो दायरा काफी छोटा है, जब हम मानवीय व्यवस्था की बात करते हैं तो एक समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात होते हैं तो बहुत सारी वो डायमेंशंस हैं जो अभी तक सामने नहीं आई थी, तो इन सारी डायमेंशंस में भी ये काम कर पाता है, तो है ना, प्रमाणित हो गया, तो प्रमाणित हो गया, तो वहीं पे दिव्य हो गया, वहां देव और नीचे जाके दिव्य हो रहा है। सार्वभौम व्यवस्था की बात आ गई, फिर ये हो गया कि जो सह अस्तित्व अनुभूति, माने जो सार्वभौम व्यवस्था पूरी धरती पे ही हम इस तरह से फैल पा रहे हैं, या हमको लगता है कि हाँ इस तरह से सार्वभौम व्यवस्था सुनिश्चित होती है, तो दिव्य मानवीयता प्रमाणित होती है। तो स्वयं में समाधानित होना एक स्थिति है, जैसे जैसे वो फैलता है, भाई एक आदमी के समाधानित होने में एक समय लगा, अब आपके प्रमाणित होने में एक समय लगने वाला है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की भी एक स्थिति है, है ना। तो इस तरह से स्वयं, तो स्वत्व स्वतंत्रता स्वराज्य, है ना, स्वयं में समझदारी, परिवार में प्रमाणित होना और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में होना, कुल यात्रा इतनी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि शुद्ध देव मानव है, इसमें कहीं ना कहीं इच्छा के रूप में कुछ गलत वो आएगा, नहीं दिव्य मानव में नहीं आ सकता, नहीं नहीं देव मानव में भी नहीं, देव मानव में भी नहीं आ सकता, इसका स्पष्ट कैटेगराइजेशन और अपने चार्ट के रूप में लाएंगे, इसको और अपन और चार्ट के रूप में बात करेंगे। एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कंसाइंस, ये एक से अनेक तक, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कंसाइंस में एक बार संक्रमित होने के बाद बैक गियर नहीं है, मानव पद पे आने के, मानव पद पे आने के बाद बैक गियर नहीं है। हाँ जी प्लीज, प्रोग्रेसिव एंड मोर थ्योरेटिकल, कैन इट बी अप्लाइड टू प्रैक्टिकलिटी एंड से दिस इज द एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस स्टेज अ पर्सन, बिकॉज एनीवे वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, सो कैन देयर बी अ कॉन्क्रीट एग्जांपल ऑफ। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि अभी, हाँ जी प्लीज प्लीज प्लीज, ओहो आप कह रहे हैं कि इसका और क्लियर एग्जाम्पल और प्रैक्टिसेबल एग्जाम्पल, तो एक बार तो इसका जो फुल ग्लिम्स है वो पहले एक बार शिविर के रूप में पूरा आ जाए, फिर हो सकता है ये अपन और इस पर क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि अभी ये पार्ट्स में आ रहा है ना। सम्मान, सम्मान क्या चीज है, अभी सम्मान के आधार क्या है हमारे, सामान, रंग रूप नेशनैलिटी सब, तो ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि हम शरीर सापेक्ष जी रहे हैं। एक तो ये बात, हर जगह में खूंटा स्थिर रहे, हर जगह जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि हमारा अभी का सम्मान शरीर सापेक्ष है,
ठीक, मानव के रूप में हम मानव को अभी पहचान नहीं पाए हैं, है ना। इंजीनियर के रूप में पहचाने, डॉक्टर के रूप में पहचाने, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, गोरे के रूप में, मानव रूप में पहचानना शायद पहली बार संभव हो पा रहा है। अब मानव रूप में सम्मान का क्या मतलब है? संवतामान की सद्वतामान की संवतामान उसका कुछ सही आंकना। अभी भी सम्मान के नाम पे हम आदमी को आंकते हैं, कैसी गाड़ी से उतरा है ना, कैसा कलर है वगैरह वगैरह। अभी आंकने का आधार क्या है? शरीर और फिजिकल थिंग्स, क्योंकि हम मानव को शरीर के रूप में देखते हैं। अब हम मानव को मानव के रूप में ठीक से आंकना चाहते हैं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? वही बात फिर से आती है ना। तो कम से कम हम मानव के आकार को देख के ये तो पहचान ही लेते हैं कि ये मानव है, इसके लिए तो बात करके पूछना नहीं पड़ता, है ना। तो एक तो बात ये होगी कि मानव के आकार को देख के पहचान लिए कि ये मानव है। यदि सामने वाले को हमने मानव के रूप में पहचान लिया तो उसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नहीं? कुछ भविष्यवाणियां, उसकी क्या उपयोगिता है, वर्तमानवाणियां, है ना। तो किसी भी आदमी को देख के उसके बारे में अकाट्य निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है, अभी बातचीत नहीं हुई है, कहा जा सकता है कि नहीं? इतना कहा जा सकता है कि इंसान है और फिजिकली और जिंदा है, ही इज एक्टिव, मानव शरीर है, एक्टिव मेरी तरह, वो भी एक मानव शरीर है, और क्या मानव शरीर है, मेरी तरह मैं जैसे मानव, मैं भी एक शरीर हूँ, वो भी एक शरीर है। अब आप पहले वाली बात कर रहे हैं, तो आप पहले वाली बात कर रहे हैं तो मैंने क्लियर कहा। अच्छा, अब बाद वाली बात बता दो। तो अगर मैं उसके लिए उपयोगी हूँ तो मैं सोचूंगा वो मानव है, तब तक तो मानव शरीर है वो। वही बात, ए और बी दो आदमी, अभी बातचीत नहीं हुआ है आपस में, ठीक। तो क्या कितनी बातें ऐसी हैं जो हम 100% एश्योर हो सकते हैं कि ये ऐसा ही है? उससे कुछ और ज्यादा, फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, उससे कुछ ज्यादा हो सकता है कुछ के नहीं हो सकता है? हो सकता है। एक मैं हूं, मैं जीवन हूं, समाधानित होने के लिए शरीर चलाता हूं, मैं हूं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं, है ना। वन ए, ये भी ऐसा ही है, दूसरा भी, बी भी ऐसा ही है, इसमें कोई शंका? कोई शंका नहीं, पक्का 100%। मोटा पतला हो सकता है और लेडीज जेंट्स हो सकता है, बाकी सेम, मोटा हो पतला हो, लेडीज हो जेंट्स हो, पर मामला इतना ही है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। ऐसा भी है कि ऐसा ही होगा, बी भी ऐसा ही है, एश्योर्ड मानव है तो ऐसा ही है, चाहे उसको ये पता है कि नहीं पता है, अपने को पता है। ये अब हम कह रहे हैं कि आप मान लिया, अब चूंकि हम समझदारी की बात कर रहे हैं, है ना, वो चाहे नहीं भी समझा है, मैं तो समझा हूँ, मैं तो अपने से शुरू कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ जी, क्लियर है कि नहीं सबको? अपन साथ साथ चल पा रहे हैं कि नहीं, है ना। मैं समझदार हूँ, है ना,
और अब हम किसी के सामने खड़े हैं, चाहे सामने वाला समझदार नहीं है, इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि मैं एक जीवन हूँ, निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ, समाधानित होने के लिए शरीर को चलाता हूँ, और ये भी ऐसा ही है। कोई शंका इसमें? शरीर चलाता है, एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात, मैं गलती करना नहीं चाहता, ठीक। He is like that. Maybe he is not knowing it, but he is like that only. I know human is like this only. पर मैं गलती करना नहीं चाहता हूँ, वो है, वो मुझे समझना है। You are getting it or not? The first case you have taken is assumption. I have become a man. Even that has to be a man. We have to assume that. Okay, that is one assumption. हाँ जी, क्लियर। एजम्पशन नहीं है। हाँ जी, नंबर वन, दिस इज नॉट ए एजम्पशन, इट्स ए रियलिटी, है ना? इट्स ए रियलिटी। एज ए ह्यूमन आई नो दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए जीवन रनिंग ए मेल और फीमेल बॉडी, दैट्स ए रियलिटी। एंड आई एम ए ह्यूमन, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज ए ह्यूमन, सो ही इज ऑल्सो लाइक दिस, दैट्स इट। मे बी ही इज नॉट समाधानित, ही डू नॉट नो दिस फैक्ट, बट आई नो दिस फैक्ट, दैट इज वॉट आई एम सेइंग। ओनली हमको सिर्फ हमारे लिए सोचना है ना, हमको सिर्फ मेरे को, मेरे मैं के लिए सोचना है। अभी मैं बी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, है ना, मैं बी के बारे में क्या क्या प्रिडिक्ट कर पाता हूँ, है ना, मैं कुछ मैं लिख रहा हूँ, अभी देखते हैं आगे क्या निकलता है। बस बस, अब मेरी समझ एक्शन में कैसा आती है, बिहेवियर में कैसा आती है, हाँ जी, अब समझ एक्शन में कैसे आती है, बिहेवियर में कैसे आती है, उस पर बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सम्मान दो लोगों के बीच का मामला भी हो गया है, है ना? अब क्या हो गया है, मैं गलती करना नहीं चाहता, ये ठीक है, दूसरा भी ऐसा ही है क्योंकि वो भी एक मानव है। अभी बात करते हैं ना, अभी मैं लिख रहा हूं, आपको जांचना है, मैं आपको मानने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, है ना, इससे काफी कुछ निकलने वाला है। शरीर है पर मैं वाली बात नहीं आई अभी, मैं वाली बात आई पर सामने वाले के बारे में सिर्फ अभी तक हमने शरीर का ही सोचा ना। हाँ जी, प्लीज एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एकदम शांत हो जाइए, अपने भीतर जांचने का काम करिए। मैंने जांच लिया, अभी नहीं जांचा आपने, आपने तो बता दिया मैंने जांच, मैंने जांच लिया होता तो ये बात नहीं आती ना। कोई बात होता है, फिर से एक बार। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी, हाँ, और आई दे आर द सेम, दैट इज मैं समाधान पूर्वक जीना चाहता हूं, एंड सो ऑन, देर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स। शरीर को बनाए रखने के लिए उत्पादन गतिविधियों का होना भी जरूरी है, सो द सेम एट्रीब्यूट्स कैन बी अप्लाइड हियर एंड टेस्टेड हियर, वही कर रहा, एग्जैक्टली, आई एम डूइंग, या पूछा क्या आप, मैं तो चल, मैं कभी थोड़ा सा मैं ये भी सोचता हूँ शायद ग्रुप बड़ा हो गया है,
इसलिए भी चीजें थोड़ा सा और थोड़ा सा अपने को और एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं कॉन्टेक्स्ट फिर से कह देता हूं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने स्वयं को मानव के रूप में पहचाना है ना, कि मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं। यदि मेरे बारे में ये रियलिटी है तो हर मानव के बारे में रियलिटी इतना ही है कि हर मानव एक जीवन है, मेल या फीमेल शरीर को चलाता है। क्लियर? मैं मेल या फीमेल नहीं है और मैं सब में कॉमन है, सब में सोचने समझने की क्षमता समान है, सभी के भीतर विश्वास सम्मान समृद्धि पूर्वक जीने की चाहना समान है। ये सारी बातें हमने की है। अब हम रोजमर्रा के बिहेवियर में आते हैं, है ना, इसको अप्लाई कैसे किया जाए। इस अप्लाई करने में ए और बी दो आदमी मिलते हैं। ए उसमें से समझदार है, मान लीजिए बी के बारे में अभी अपन कोई बात नहीं कर रहे हैं। ए बी को देख के, सम्मान का मतलब है दूसरे को आंख पाना, दूसरे को सही ढंग से पहचान पाना। अभी तक हम लोगों को सुविधा के आधार पर या शरीर के आधार पर पहचान रहे थे। अब समझ में आया, क्या समझ में आया उसको मैंने लिखा कि मैं एक जीवन हूं, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, समाधानित होने के लिए शरीर को चलाता हूं। बी भी ऐसा ही है। एक बात, कोई झंझट नहीं, आ गया। फिर मैं कहता हूं अपने भीतर झांक के देखें, क्या मैं गलती करना चाहता हूं? नहीं। दूसरा भी ऐसा ही है। तीसरी बात, मुझसे समझ में कमी के कारण गलती होती है, यदि होती है तो, है ना, मुझसे समझ में कमी के कारण गलती होती है, है ना, यदि होती है तो, माने मानव से, जब मैं कहता हूं मुझसे माने मानव से, ठीक। सीधी सी बात है, बी भी ऐसा ही है, बरोबर है, कोई झंझट नहीं। फोर नंबर पॉइंट, गलती होने पर मुझे स्नेह पूर्वक समझाया जाए। ऐसा ही चाहता हूं, कुछ और चाहता हूं कि सबके सामने अपमानित किया जाए, डंडा लगाया जाए? नहीं, वो तो सब सोचते हैं कि हमें स्नेह पूर्वक समझाया जाए, है ना। बस बस आगे चलते हैं, है ना। हर गलती होने पे मुझको सबके सामने कहने की क्या जरूरत थी, अकेले में कह देते, अकेले में चार जूते मार लेते। हाँ, ये तो सब बोलते हैं, है ना। हाँ, किस किस लाइन में ऐसा नहीं है उसको बताइए, और क्या है उसको बताइए। बात तो बिल्कुल सही है, एम्पैथी होना चाहिए। लाइनें पढ़िए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या करते हैं। रोजमर्रा के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि मुशर्रफ को अगर अकेले में बुला के समझा दें, बिल्कुल मुशर्रफ, लेट अस बी वेरी प्रिसाइज। लाइनें सामने लिखी हैं, आपके ऊपर अप्लाई करिए। हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। और ये देखिए कि कहाँ हम ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, रोजमर्रा में हम क्या चेंज इसमें करते हैं। कोई चेंज नहीं करते, सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सामने वाला अच्छा नहीं है। एक बिकॉज आई एम, जैसा चीज है वैसा ही देखना, ये समझदारी की बात है। वही हम चाहते हैं, वही हम करते हैं, लेकिन सामने वाला अगर जो चीज जैसी है वही नहीं देखता तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। समझ की कमी के कारण गलती होती है, आई एग्री समटाइम्स। अभी अपने को अपने बारे में जांचना है, दूसरे के बारे में जांचना है। पॉइंट नंबर वन में कंफ्लिक्ट नहीं है, सेकंड पॉइंट में मैं गलती करना नहीं चाहता, ये ठीक है। दूसरा भी गलती करना नहीं चाहता, वो हमें कहां मालूम है, वी डोंट नो। दूसरे के बारे में हम ये मानते हैं कि ये गलती करना चाहता है। कभी कभी दूसरों के बारे में ऐसा होता है कि वो गलती है, फिर भी हम दिल से ऐसा समझते हैं कि हम गलती करना नहीं चाहते।
अगली लाइन, मुझसे समझ में कमी के कारण गलती होती है और सामने वाला जानबूझ के करता है। बिल्कुल, ऐसा हम दूसरे अपने बारे में कुछ और मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ और मानते हैं, है ना? मुझसे गलती होने से स्नेहपूर्वक समझाया जाए और दूसरे को फांसी पे लटकाया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे को चार जनों के बीच बोला जाए तो अच्छी बात है, ऐसा होता है। हाँ जी, दूसरा है तो तीसरा होना ही है, जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जो कंफ्लिक्ट हमारे बीच में है वो गलत। हाँ जी प्लीज, जो कंफ्लिक्ट हमारे बीच में है वो किस तरह के है? जब मैं देखिए, जब आप अपने साथ हैं तो आपकी इच्छा, विचार, कार्य और व्यवहार चारों आपको दिखते हैं, कम ज्यादा। लेकिन दूसरे वाले आदमी का आपको क्या दिखता है? कार्य और व्यवहार, इच्छा और विचार पक्ष दूसरे का हमको नहीं दिखता है। ठीक, ये क्लियर हुआ? इसलिए अपने बारे में तो लगता है कि मैंने जानबूझ के गलती नहीं की है, लेकिन दूसरे के बारे में लगता है कि ये तो आदमी ही गड़बड़ है, ये तो मैनिपुलेट करता ही है। एक बात, हो सकता है वो नहीं कर रहा हो। दूसरी बात, कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक गलती करने का डिजाइन भी बनाते हैं। ठीक, एक बात, धीरे धीरे। जो लोग बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से किसी को दुखी, अपमानित करने का डिजाइन भी बनाते हैं, वो ऐसा डिजाइन क्यों बनाते हैं? अपने को, कुछ नहीं, अपने को सुखी करने के लिए। जो पिछला अपमान उसने पाया है कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, किसी रिएक्शन के कारण, वो उसको वेंटिलेट करना चाहता है। बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। ठीक, कुछ लोग आदत के कारण भी करते हैं, वो इतना ही है, इकट्ठा हो गया है। इकट्ठा हो गया है, ठीक हो गया। अब मैं जो क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, अब जो संजय जी, अब ये दूसरे को दुखी करके सुखी होने का मामला, ये किसी समझदारी वश है या किसी कंडीशनिंग के कारण है? है ना, मान्यता, समझ तो नहीं है, है ना? किसी मान्यता के कारण कि ऐसा करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या दूसरे को दुखी करके हम सुखी हो पाते हैं या अपने दुख को कम कर लेते हैं, थोड़ा सा वेंटिलेट कर लेते हैं? एक सेकंड में डिस्टर्ब करूं, सामने वाले शायद ऐसा सोचते हैं कि मैं, हम ऐसा मानते हैं कि वो सोचते हैं कि ऐसा करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये होता नहीं है। ये निरंतर एक प्रक्रिया उनकी रहती है कि कभी अच्छा नहीं सोचना है। उनको अच्छा सोचने का कोई मटेरियल मिला ही नहीं, या उनकी जिंदगी में जो भी कुछ घटनाक्रम घटा है ना, वो नेगेटिव ही रहा। वो घटनाक्रम ऐसा घटा होता है, कॉम्प्लेक्स, दैट इज मोर रिस्पॉन्सिबल। देखिए हमारी, हाँ जी प्लीज, हमारी कंडीशनिंग कैसी है? किसी को अच्छा दोस्त मिल गया, वो कहता है दुनिया में दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं। किसी को दोस्त ने धोखा दे दिया, बोले दुनिया में दोस्ती से बुरी कोई चीज नहीं, है ना? एक छोटी छोटी घटनाएं हमारी कंडीशनिंग को तैयार करती हैं, है ना? और जिसने मेरा अपमान किया है या जिसके कारण मैं, मेरे को लगता है कि ये मेरे, है ना, बाधक है मेरे विकास में या मैं आगे बढ़ने के बाधक है, उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, उसका अपमान कैसे किया जाए, तो ये हमारे भीतर की भड़ास है जो हम किसी तरह से वेंटिलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो योजनाबद्ध तरीके से इस तरह सुखी होने का किया गया प्रयास है, ये समझदारी है कि ना समझी है? पक्का है? एक मिनट, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? यदि वो सोच समझ के ही प्री प्लान
उसकी समझदारी है। वो कितना ही सोच समझ के कर रहा है, तो ये ऐसा ऐसा सोच समझ के करने से क्या वाकई में वो किसी निरंतर सुख को पाएगा क्या? व्यावहारिक दृष्टि से वो समझदारी नहीं है, है ना। अब जिसको हमने चार दिन में जो समझ की बात, पिछले चार दिन में हमने जो समझ की बात की कि पूरे एग्जिस्टेंस में को एग्जिस्टेंस है ना, हम दूसरे के साथ हारमोनी से जी के ही सुखी हो पाते हैं, है ना। किसी को नीचा दिखा के लड़के जो हमारे थोड़ा सा वेंटिलेशन होता है उसके कारण थोड़ा सा राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन सुखी होना बिल्कुल एक डिफरेंट बात है, है ना। वही कह रहा हूँ, तो मैं कुल मिला के कह रहा हूँ कि ये समझ नहीं है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी मैं एक इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, फिर ये बिहेवियर संजय जी हाँ जी संजय जी आते हैं, ये भी बात कैसी है? प्लीज, हाँ जी मैं एक काम कह रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। अब ये फिर ये बिहेवियर जान बूझ के है कि मान बूझ के है? है ना, देखिए है हाँ वही, अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए कितना फर्क पड़ता है, यदि मुझको लगता है कि इस आदमी से समझ में कमी के कारण ये गलती हुई है, तो उसके प्रति मैं रिएक्ट करूंगा कि रिस्पॉन्ड करूंगा? रिस्पॉन्ड, जिम्मेदारी के साथ, ठीक, स्नेहपूर्वक। यदि मुझको लगता है कि ये व्यक्ति जानबूझ के गड़बड़ करता है, तो मैं तक ढूंढूंगी कि कब मेरी बारी आए। जनरली जनरली नहीं, जनरली सबका विचार ये होता है, जनरली सबका आज ये एकदम ओपनली डिस्कशन करना है, ये ओपनली डिस्कशन है क्योंकि ये हमको सिखा और समझाने की कोशिश है कि हमको समझ के ये करना है। टॉलरेट फॉर सम टाइम एंड कीप ए डिस्टेंस, ये अंततः सॉल्यूशन हुआ कि अपनी जान बचाना हुआ और उस स्थिति में हमारी देट इज टेम्पररी सॉल्यूशन, टेम्पररी समझदारी हुआ कि समझौता हुआ? समझौता और टेम्पररी समझौता, क्योंकि नहीं मंजिल तो दूर है, बराबर है, ये पड़ाव ही है, लेकिन लेकिन क्या है, समझदारी दिखाने से आगे समझदारी होती तब ना दिखाते, हाँ हमारे वही वही बनाने के लिए शायद काम में आ सकता है। अब क्या हो गया, हमने क्या किया कि हाँ जी प्लीज, वो सबके तो नाम मेरे को मालूम नहीं ना। अगर किसी ने संजय का नाम लिया तो समझदारी मेरी फिर काम नहीं करेगी। हाँ जी, तो क्या बात हो रही। अब देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया कि भाई बच्चों की शादी करो और तुरंत उनको अलग करो, यही समझदारी है, है ना, क्योंकि हमको पता है कि शादी के बाद झगड़ा होना ही है, इसलिए तो बच्चों को अलग कर देना ये समझदारी हुआ या अपनी असफलता की घोषणा हुई? बढ़िया हो गया, तो हम असफलता की घोषणा को समझदारी कह रहे हैं, है ना, बच्चों को पढ़ाओ और अपने से दूर ले जाओ, है ना। अब हाँ, एक बार शादी हो गई बाद में शायद झगड़े हो सकते हैं, इट इज बेटर यू रिमेन एट द एडजेसेंट फ्लैट। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादा बड़े झगड़े होने की बजाय ये हम थोड़ा सा ऐसा जुगाड़ बना लेते हैं, ये समझदारी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, एडजस्टमेंट्स हैं,
है ना, जिंदगी चल जाए, जुगाड़ है, लेकिन अंततः हम चाहते तो यही थे कि हम हंसी खुशी साथ में रह पाते, है ना। सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये क्लियर हो गया। क्योंकि बेसिक रीजन यही है कि शांति और सम्मान बनाए रखना है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज है। हम अंदर से सोचते नहीं कि हम कभी अलग हो। बढ़िया, वो सोच के कह रहे हैं कि हम चाहते तो यही है कि हम साथ में रहें, है ना। नहीं रह पा, रह पाने में है ना। एक बात तो, अब ये जो सारा इतना बड़ा झंझट फैला हुआ है, कुल मिला के क्या बात पकड़ में आ रही है? माइक आपके सामने है, जिम्मेदारी से एक दो स्टेटमेंट आ जाए। इतनी सारी चर्चा से क्या निकल के आया? ये यहाँ पे पॉजिटिव माइंडेडनेस की बात की गई है और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की बात की गई है, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर वो दुराग्रही है तो फिर कैसे दोनों की हार्मोनी होगी? मैंने फिर कहा कि हम अपने आप को केंद्र में रखते ही नहीं है, सामने वाले को ही कैटेगरी में रखते हैं, अपने आप को जज की पोजीशन में ही रखते हैं। मैं इसमें बहुत हार्डली कहना चाहूंगा, ठीक है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप है या कोई और है, ठीक है। नहीं, मैं हाँ नहीं, रियल प्रॉब्लम्स की जगह में मैं फिर ये कहना पॉजिटिव है, आप सुन तो लीजिए। अभी हम केवल गलती ना करने को पॉजिटिव होना बोलते हैं, सही का हमको भी पता नहीं है, है ना। जब भी कोई ऐसी स्थिति बने पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं पूरी तरह से समझदार हूँ? और समझदारी का पैरामीटर अब सामने दिखाई दे रहा है, और अभी दो दिन रुक जाइए, ठीक। हम क्या सोच, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक वो कैटेगरी है जो गलती करती है, हम उनको बुरे लोग कहते हैं। एक वो कैटेगरी है जो गलती नहीं कर रही है, जो बड़ी गलतियों में शामिल नहीं है बहुत डायरेक्टली, है ना, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, पान नहीं, तम्बाकू नहीं, है ना, भ्रष्टाचार नहीं, चोरी नहीं, मारपीट नहीं, हम ठीक ठाक लोग हैं, ठीक। और हम अच्छा सोचते भी हैं, है ना, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हम अच्छी टॉपिक्स पे सेमिनार करते हैं, हम प्रवचन में भी जाते हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, वगैरह वगैरह, सब ठीक है। बट यू डोंट लाइक, ठीक। एक बात, इसके बावजूद भी मैं अपने परिवार में और अपने ऑफिस में लोगों के साथ हार्मनी पूर्वक जी पाता हूं, मैं स्वयं में स्वतंत्रता पूर्वक जी पाता हूं, मैं समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाता हूं, बिना मानव का शोषण किए, बिना प्रकृति का शोषण किए जी पाता हूं, मेरे स्वयं के भीतर विश्वास के साथ में जी पाता हूं, ये अभी एक अलग स्थिति है। तो केवल हमारी स्थिति कैसी है, बुरा ना होने को हमने अच्छा होने के रूप में स्थापित कर लिया। मैं तो ठीक ही हूं और सामने वाला नहीं समझता है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, जिसको हमने कहा था कि बेसिकली गलती ना करने वाले को हमने कहां पे रखा, अच्छे लोग, ये अच्छे अभी है नहीं, हाँ बुरे नहीं है, है ना। तो बेसिकली अच्छा होना अभी शेष है, एक समझदार व्यक्ति ही अच्छा है। अभी जो जिन लोगों की बात हुई थी, आदतन जो डिविजन्स क्रिएट करते, चलिए मैं आपको आदतन का बता देता हूँ, कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बिलासपुर जेल, अभी ठहर जाओ, देखो हम नहीं कोई ऐसा प्रयोग किए हैं ना, केवल हम अपनी एक सामान्य एनालिसिस से बहुत कुछ कह रहे हैं। बिलासपुर जेल में 3 से 5 मर्डर किए लोगों के साथ में हमने काम किया, और वहां का जो बॉस था वो वहां का गुरुजी हो गया, और बहुत लंबा चौड़ा प्रयास कुछ भी नहीं था, है ना, सामान्य शिविर जैसे आपके साथ चल रहे हैं, ऐसे कुछ शिविर उनके साथ में हुए। ये जितना कॉलेज का लॉट आता है, है ना, एक ब्रांच में 40 या 60 बच्चे, और उसमें से किस तरह के बच्चे होते हैं ये आपको पता है, कोई टीचर साथ में नहीं आता है, कोई नियंत्रण हमारे पास नहीं है, और जैसे आपका शिविर चलता है ऐसे ही चलता है। वो बच्चे क्या नहीं करते होंगे यहाँ पे, लड़के लड़कियां 7 दिन यहाँ पे रहते हैं, सोच सकते हैं आप एक कॉलेज में हैं और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, क्या माहौल है और क्या किस तरह की स्थितियां हैं। उन्हीं बच्चों के साथ उनकी सारी गलतियों के बावजूद, ये एसिड टेस्ट है, कॉलेज के युवाओं का शिविर संचालित करना अपने आप में एसिड टेस्ट है। वो सारी गलतियां करेंगे और वो जानबूझ के, जिसको आप जानबूझ के करना बोलते हैं, वो पहले देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है इरिटेट होने की, उनका पहला टेस्ट ये, ठीक।
वो क्या क्या करते हैं। एक रात उन्होंने क्या किया, रात को 2 बजे मेन रोड पे एक व्हाइट चादर ली और साइड पोस्चर बना के रोड पे व्हाइट चादर ऐसे लपेटी और रोड पे पार करना शुरू किया। एक सामने से कार में आता हुआ आदमी इतना भयभीत हो गया कि कोई भूत है, घबराहट के मारे उसका पसीना छूट गया और जब पास आया तो लोग हंस दिए। वो इतना गुस्सा हुआ, रात को 2 बजे आके उसने मेरे को उठाया, बोले बंद करो ये शिविर, और मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब होता तो मैं गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता। बोले मेरे मन में घबराहट के बाद में 2 डिसीजन आए, एक तो आज गाड़ी चढ़ा दूं देखी जाएगी क्या होता है, मैं देखता हूं। बोले यदि मैं ऐसा डिसीजन ले लेता तो क्या होता है ना। ये लड़के इन हरकतों को भी यहां पे और क्या क्या करते हैं मैं आपके सामने नहीं कहना चाहता है ना। इसके बावजूद ये बच्चे बैठे हैं यहां पे 2-3 है ना। आज तक मैंने किसी शिविर में किसी को डांटा नहीं है, आज तक 50 शिविर इंजीनियरिंग कॉलेज टीचर्स और स्टूडेंट्स के यहां पे हुए हैं। जब वो गलती करते हैं केवल थोड़ा सा चेहरे का एक्सप्रेशन बदल देता हूं, पहले दिन काम नहीं करता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन तक थोड़ा सा, 2 दिन तक उनका उत्पाद चलता है, तीसरे दिन से आंख का इशारा काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो गलती कर रहे हैं अपने कमरों में, मैं राउंड लगा के यदि एक बार उनको ठीक से देख लेता हूं और कुछ नहीं कहता हूं अपने कमरे में वापस आ जाता हूं। वो रात को 12 बजे कमरे में आते हैं, सर एक बार डांट दो नहीं तो हमको नींद नहीं आएगी है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आदमी के लिए हमने उतना सिंसियरली मेहनत किया नहीं है, और हम बिना मेहनत किए बहुत बड़े परिणाम चाहते हैं है ना। मैं इस बात को अधिकार पूर्वक कह सकता हूं, रायपुर कॉलेज के वो लड़के जो रायपुर कॉलेज के लिए हेडेक थे, उनके बिहेवियर में जिस तरह से चेंज आया है और जिस तरह की सारी स्थितियां बनी है, अब मुझको ये विश्वास है आप कैसे ही बच्चे मेरे पास भेज दो है ना, मैं आपको 7 दिन बाद उनका चेहरा, आप देखना उनका चेहरा कैसा होता है। तो एक बात हमको समझ में आ गया, लगभग ये मेरा 99th शिविर है, उसमें आदिवासी से लेकर लंदन तक, बच्चों से लेकर जवान तक और बूढ़ों तक, सभी तरह के लोग, मेरे को एक बात का भरोसा हो गया, आदमी आदमी होता है, वो सुखी होना चाहता है और वो प्यार से कंट्रोल्ड होता है। आदमी को भय प्रलोभन से आप कंट्रोल कर नहीं सकते, एक प्यार वो चीज है। रायपुर कॉलेज में एक लड़का था, पूरे कॉलेज के लिए हेडेक था, बिहारी था वो, छोटी सी हाइट थी। अब जरा सी न्यूज बनती है मंत्री डांटता है। यह हुआ कि शुरू में कॉलेज में एक डिसिप्लिन कमेटी बनी, जो इस तरह का उसको शिविर में भेजो, उनको भी एक जगह मिल गई। वो लड़का, अब देखिए घटना क्या घटी, उसने शिविर किया, नो डाउट 4th दिन वो बाहर गेट में जो बैठने की जगह बनी हुई है गेट के साथ, मैं रात को 11 बजे, उनको नींद आती नहीं है, रात को 2 बजे तक जगते हैं, तो मैं भी रात को 11 बजे तक उनका मूल्यांकन चलाता हूं, कुछ चलाता हूं ताकि इनको रात तक नींद आ जाए। मैं रात को 11 बजे राउंड मारने गया तो बाहर बैठा गेट पे अकेला रो रहा था। मैंने वो आदमी रोता हुआ दिखाई दे, थोड़ा मेरे को अजीब लगा, बोला तुमको क्या हो गया। बोले सर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। कैसे हो गए। सर मैंने आपको परेशान करने की बहुत कोशिश की, मैं असफल रहा। रो रहा है वो। मैंने कहा तुम उसको पहले बता देते, मैं थोड़ा सा हो जाता। उस लड़के में चेंज आया, वो लड़का बदला, उसका क्रेडिट शिविर को मिला। अब यह भी मुझको पता है कि शिविर के उस रिजल्ट की कंटिन्यूटी नहीं है, यदि वहां वो वातावरण नहीं मिलता है तो 2-4 महीने बाद वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। इस बीच में कॉलेज को तो पता नहीं था, इस बीच में उसको प्यार हो गया। एक दिन आया, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब क्या हो गया। सर वो 1-way हो गया है। तुम बात कर लो।
सर मना कर दिया तो क्या होगा, मैं कर लेता हूं, मैं तुम्हारी तरफ से कर देता हूं। तो बोले नहीं सर। तो मैं देखा ये शेर की तरह से दहाड़ने वाला आदमी एकदम कैसा चूहा बन गया है ना। तो एक बात मेरे को पकड़ में आई, प्यार चाहे गुरु से मिले, माँ बाप से मिले, दोस्त से मिले, या जिसको अभी हम प्यार कहते हैं वहां से मिले, कुल मिला के कोई आपको अपना मानने लगता है वो इतनी बड़ी खुशी देता है कि आदमी की सारी एनर्जी वहां चैनलाइज हो जाती है ना। तो कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि सारा उपद्रव आदमी की ऊर्जा का चैनलाइज ना हो पाना है। कौन ऊर्जा को चैनलाइज करेगा? जिसने खुद की ऊर्जा को चैनलाइज किया हो, इससे कम में तो होने वाला नहीं है। पहले तो ऐसे टेस्ट देना ही पड़ेगा, है ना। तो यदि हमने इस तरह से अपनी ऊर्जा को चैनलाइज किया है ना, हम उसको चैनलाइज करने के प्रयास में हैं, एक ईमानदारी भरा प्रयास है, इसका रिफ्लेक्शन लोगों तक जाता है ना। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की इंजीनियरिंग एजुकेशन में कोई जगह बना पाए हैं, तो यहां कोई शांतिलाल सोमैया जी नहीं थे जो यहां आके सहमत हो गए थे, उन्होंने इनको भेज दिया था। शुद्ध रूप से कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, कोई ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट नहीं, कोई मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं, सीधे बच्चों के बीच में जाके जगह बनाइए, सीधे बच्चों के बीच में जाके जगह बनाइए और डायरेक्ट काम है। हमको एक बात समझ में आती है कि आदमी आदमी है, आदमी यदि हम आदमी के रूप में खुद को पहचान पाते हैं, सामने वाले को पहचान पाते हैं, तो बात होने की संभावना। बढ़िया। नमस्कार। प्रविशंति मुखे मृगा। जो ये बुक जीवन विद्या अध्ययन बिंदु के नाम से ये जो बुक आपके पास पहुंची है, इसमें एक तरह से जीवन विद्या शिविर में या लगभग पूरा मध्यस्थ दर्शन को समझने के लिए जितने बिंदुओं पे चर्चा होनी चाहिए उन बिंदुओं की एक सूची है, एक लिस्ट है। तो शिविर जितना हो गया है और इस बुक को देखते हुए आप ये टिक कर सकते हैं कि ये मुद्दे हो गए हैं और ये मुद्दे अभी बचे हैं। तो टाइम लगभग आपका कम पड़ेगा, है ना, इस बात की संभावना लगभग है। तो मैं चाह रहा हूं कि लेकिन बात पूरी हो जाए। नहीं, ये ब्लू वाला, ये एक तरह से एक प्रपोजल बन के गया था ये संसद के लिए, जिसमें बाबा जी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन गया था, उसकी कॉपी है। और इस प्रेजेंटेशन में जो शब्द यूज किए गए हैं उनका मीनिंग एक्सप्लेन किया है। ये टोटल डिक्शनरी नहीं है, परिभाषा संहिता के नाम से अलग से एक बुक है जो प्रिंटिंग में जल्दी आ जाएगी, जिसमें कि पूरे दर्शन में जितने वर्ड्स हैं उसकी अलग से डिक्शनरी है ना। चलिए, हाँ जी, देखिए वहां से जो लोग टीवी के सामने बैठे हैं उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि आप लोग माइक से नहीं बोलते हैं, जो लोग क्वेश्चन बोलते हैं उनकी बात हमको नहीं सुनाई देती है, और अंततः वो बात फिर जब फाइनली सीडी बनेगी उसमें भी आएगी। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर आंसर भी बहुत रिलेवेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप लोगों से फिर से विनम्र निवेदन है कि आप जब भी बोलें माइक को बोलें, आपको बोलना है ये मुद्दा नहीं है। कुछ लोग बाहर बैठ के सुन रहे हैं और कुछ लोग इन सीडीज को बाद में देखना चाहेंगे, तो क्वेश्चन क्या आया था वो पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा लिंक टूटता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हम माइक से बोलेंगे। हाँ जी, सम्मान को लेके हमने कुछ बातचीत शुरू की और कुछ छोटी सी चर्चा हम लोगों ने की है ना। चर्चा में मैं तो गलती करना नहीं चाहता हूं, लेकिन दूसरा गलती करना चाहता है। एक ये डिफरेंस हमको अपना रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देता है, मुझसे समझ में कमी के कारण गलती होती है
दूसरा जानबूझ के गलती करता है, ये गैप हमको दिखाई देता है। अपने अपने गलतियों के प्रति हमारा चाहना बिल्कुल अलग है, और दूसरे गलती करें उसको हम अलग तरह से हैंडल करते हैं। ऐसे अपना बच्चा गलती करे तो हम अलग तरह से हैंडल करते हैं, दूसरे का बच्चा गलती करे तो हम अलग तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये जो अपना पराया की दीवार है, इसके पीछे क्या कारण है ना, क्यों ये गैप्स हैं। और एक बात समझ में आती है, कितना भी कोई गलत व्यवहार करता है, चाहे लादेन क्यों ना हो, है ना, आदमी अपनी किसी भ्रमित मान्यता की रोशनी में कोई गलत व्यवहार करता है ना, गलती चाहे कितनी ही बड़ी हो कितनी ही छोटी हो, ठीक। तो उसको एक समझ की जरूरत है, शिक्षा में ही समझ की जरूरत है ना, ये कुछ बात। तो ये बेसिकली अभी बातचीत नहीं हुई है, अभी ए और बी के बीच में बातचीत नहीं हुई है ना। बिना बातचीत के हमारे पास इतनी क्लैरिटी है कि आदमी कैसा होता है और आदमी के साथ में कैसा जिया जाए। अब बात करेंगे तो तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो ए बी ए से अधिक समझदार है, या दोनों बराबर है, या ए अधिक समझदार है, तीन ही बातें हो सकती हैं, ठीक। बी ए से अधिक समझदार है तो ए बी के लिए प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है, है ना। तो अधिक समझदार के लिए कम समझदार व्यक्ति प्रमाणित होने के लिए अवसर है। आप लोग मेरे समझ को प्रमाणित होने के लिए अवसर है। मानव का समझ प्रमाणित होगा तो मानव के साथ में होगा कि दीवार के साथ में होगा, मानव के साथ में होगा, ठीक है ना। तो यदि यदि या तो हम लोग समझ में बराबर हैं तो भी बढ़िया, मिलके साथ में कुछ अच्छा काम करेंगे। यदि मैं समझ में अधिक हूं तो आपकी समझ को पूरा करने के लिए मैं अवसर हूं, है ना, और मेरे को अपनी समझ को प्रमाणित करने के लिए आप अवसर हैं। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई झगड़ा नहीं। सारा द्वंद कहां पे है, लड़ाई कहां पे है, मैं अपने आप को आपसे बड़ा बताता हूं और साथ में यह भी बताता हूं कि आप मेरे जैसे नहीं हो सकते हो। आई एम बिकॉज यू आर नॉट, है ना। जब हम भौतिक आधारों पे अपने आप को अपनी पहचान को जब हम सामान से सम्मान को बनाते हैं तो मेरा जब हम शरीर स्वयं को शरीर मानकर भौतिक आधारों पर समान बराबर सम्मान सुख बराबर सुविधा की डिजाइन में जाते हैं तो हमारे जीने का डिजाइन कैसा बनता है, मेरा होना बराबर दूसरों का ना होना, दूसरों के ना होने में ही मेरा होना है। ठीक, आपके पास भी मेरे जैसा मोबाइल है, अब बराबर हो गया, अब कुछ बेहतर वाला होगा तो कुछ बात बनेगी। आप भी बीटेक, मैं भी बीटेक, अब आपको एमटेक करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे घर का मामला है चाहे गाड़ी का मामला है। जब हम कंपैरिजन से, तो देखिए यहां बोलचाल की भाषा में किसी दूसरे के साथ तुलना करके हम जो अपने होने को पहचानते हैं, इसको एक शब्द दे सकते हैं, रिलेटिव कॉन्फिडेंस। ये एक पंखा बंद करो जिसकी आवाज आ रही है, वो लोग गर्मी से हैं, है ना। अब तो वैसे भी शाम हो गई है, अब गर्मी वाला का प्रकोप नहीं रहेगा।
हाँ तो मेरे को लगता है कि अब नहीं है गर्मी, क्यों ये चलने दो बाकी रहने बस। होगा जब हम समझ के प्रोसेस में चलते हैं, है ना, समझदारी के रास्ते में, कैसा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, कैसा हो गया, मेरा होना बराबर दूसरों का होना। अभी मेरी सफलता क्या है, हम सबकी सफलता क्या है, क्यों ये सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, इतनी सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, इतने सारे लोग अपना काम धंधा आगे पीछे सेट करके आपके साथ में लगे हैं, इनको कोई इनको किसी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है ना, क्या चीज के लिए लगे हैं। ये शिविर सफल होता है आप हम एक परिवार के रूप में महसूस कर पाते हैं, शिक्षा में मानवीयता को स्थापित कर पाते हैं, है ना, अब आपकी सफलता में हमारी सफलता है, हमारी सफलता में आपकी सफलता है, हम सबकी सफलता एक साथ है, हम सभी एक साथ सफल हो सकते हैं, है ना। सारी सफलता किस बात की, समाधानित होना, समृद्धि पूर्वक जीना। इसमें कुछ सफल होंगे कुछ असफल होंगे, ऐसा है क्या? वो सफलता टेम्परेरी है कि स्थाई है? टेम्परेरी है, टेम्परेरी है और कुछ ही लोगों को मिलेगी। ये सफलता कैसी है? परमानेंट है और सभी को मिलेगा, सभी को मिल सकता है, है ना, सभी समझ सकते हैं, सभी जी सकते हैं। इस रूप में मेरा होना बराबर दूसरों का होना, यहां एक सूत्र काम करता है। जागृति पथ पर कदम रखते ही समझदारी में मेरा होना बराबर दूसरों का होना, और ना समझी में दूसरों का ना होना बराबर मेरा होना। Can I raise a question? If you Please. Feel that it is not relevant to this at this moment, we can take it later. Please. My question is, we as faculty sometimes come across students who copy. Students who copy. Who copy. Yes. You would call it whatever name you give it. Now, there are two entities, the faculty or the and the institute. And the third is the student and his parents. Obviously, the student says, "Galti ho gayi, I did not want to, I did not actually copy," but he has written the slip in letters which only, you know, with a pen, with the, he must have spent 4 hours to write that whole thing on the slip, or on a scale, or on a whatever. And he apologizes. For obvious reasons. Now, if we as an institution have made certain rules that, you know, if you do this, it will go to the disciplinary committee and disciplinary committee will decide what to do. And we being an institution connected to university, we also feel that the same kind of a rules, though even it could be autonomous course, we will follow the same kind of a rule. Now, the idea is not to punish that student, probably, and not to his parent, therefore though no monetary fine is made, because monetary fine is again paid by the yes, parent. Yes, yes. Because students come to the institute not for studies, if you look at the ultimate objective, the job. Yes. In a management institute, job is the main thing. So we said fine, as a deterrent to the others, we said you will be out of placement as a deterrent. We know that it should not be done, but as a deterrent, because otherwise this practice is something abhorrent as a, in an organization, in an institution which is reputed in its own way, and we feel that. Now in that case, I was just analyzing the situation as you are doing in the earlier session. And I realize that we have all the sympathy for the boy. And if I go into his ichha, vichar, etc., etc., yes, he has certain reason to
do because he wants to show, or he might have got some less marks at some point of time, and he says that by doing this little bit, he could get those little marks extra and will be above board. Frankly, in any professional institutions, it's difficult to fail people in general. Not that we do any efforts to deliberately pass, but difficult. So failure rate is very low. But still, students go through this. Now, in that situation, there are the third entity or the fourth entity also enters here. The institution and the student's parents. Ultimate sufferer is the student's parents also, who has spent so much of money to, you know, do this situation. What kind of a parameters one look at? If you feel it's not relevant immediately, we can look at later. अभी ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे बीच में आएंगी. तो एक बार मैं क्वेश्चन को ब्रीफ में कह देता हूँ. गई साहब का ये कहना है कि यदि कोई व्यक्ति नकल करता है, अब उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी करते हैं तो पेरेंट्स को पड़ता है, डिसिप्लिनरी कमेटी को देते हैं, यूनिवर्सिटी में जाता है तो कॉलेज का नाम खराब होता है ना. हम भी ऐसा करना नहीं चाहते हैं, वो जिस मजबूरी से करता है वो भी. तो ये सब बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ी घटना पिछले साल रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में घटी. एक लड़के को नकल करते हुए पकड़ा और उसने जाके ट्रेन के सामने जाके सुसाइड कर दिया. उसको लेके स्टूडेंट यूनियन और बाकी कुछ लोगों को मुद्दे चाहिए. अब NSUI और वो सब उसमें कूद गए. और पहली बार ये हुआ कि नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. ये एक करेक्टर इतना इस्टेब्लिश्ड है. 10 लाख रुपए का नुकसान स्टूडेंट्स ने कॉलेज में तोड़फोड़ किया, मुंह पे कपड़े बांध के, नकाबपोश और धुआंधार कॉलेज में. इवन यदि वो टीचर उस दिन मिल जाता तो उसको मर्डर कर दिया जाता है ना. अब टीचर्स के बीच में बात हुई कि भैया अब किया क्या जाए. तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमको किसी को नहीं रोकना है और पोस्ट डेटेड डिग्री उनको साइन करके दे देनी है. ठीक हो गया. इससे ज्यादा बड़ा केस अभी आपके यहां हो सकता ना हुआ हो. अब इन सारे धरातल पे अब यदि इन चीजों के सॉल्यूशन सोचना शुरू करें, जैसा कि आपने कहा कि उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको केवल जॉब चाहिए, है ना. IIMs में भी लोग बताते हैं कि पहले साल पढ़ते हैं, उनका उसमें जॉब फाइनल हो जाता है, उसके बाद सब अपने ढंग का काम चलता है. तो इन सारी परिस्थितियों में तो उस सारे धरातल पे जो धरातल ही खसका हुआ है, जिसका बेस ही गलत है, उसमें हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे. शुरू शुरू में कोई चीज नई नई रहती है तो बहुत कुछ चल जाता है. अब धीरे धीरे सब चीज एक्सपोज हो रही है. हमने एक दूसरी बात देखी. ये वैल्यू एजुकेशन में 50 मार्क्स है. 50 मार्क्स में क्या करें, कैसे दें? तो बता, पहले ये तय किया कि शिविर में 30 मार्क्स होंगे, क्या चीज के मार्क्स होंगे. तो मैं जब शिविर में पहले घुसते हैं बच्चे, तो मैं कहता हूं जिनको जो मार्क्स के लिए आए हों वो वापस चले जाएं, मार्क्स मिल जाएंगे. मार्क्स के लिए कोई भी यहां नहीं बैठे, ये लोग बैठे हैं सामने बता सकते हैं. तीसरे चौथे दिन वो बोलते हैं सर मार्क्स जीरो दे देना, ये हमारी जिंदगी है. अब जीपी में किसको कितना मार्क्स मिला, किसी को बदरेशन नहीं है. मार्क्स कैसे देते हैं, फेल किसी को करना नहीं है, ये मार्क्स से किसी की जिंदगी बननी नहीं है, बिगड़नी नहीं है. चलो सबको एक सामान्य किया जाए. एक अभी सेल्फ असेसमेंट को रख रहे हैं, तुम ही तय करो तुम्हारा कितना मार्क्स होना चाहिए. ठीक रख लेते हैं. अब तो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न ही गलत है. स्व मूल्यांकन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के कारण टीचर बहुत बड़े बोझ में दबा हुआ है. कॉपीज, पहले क्वेश्चन पेपर बनाओ, फिर कॉपीज चेक करो, फिर उसका रिवैल्यूएशन करो, फिर उसमें सबके गिला शिकवा शिकायत को सुनोगे आपने मार्क्स कम दिए हैं. स्व मूल्यांकन को लॉन्च किया जाए. समझना तुमको है, जीना तुमको है. तो आदमी के भीतर वो सेल्फ मोटिवेशन को समझने और जीने के प्लेटफॉर्म को जब तक हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके भीतर वो स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया भी नहीं. तो शायद ये धरातल ही गलत है और ये दिनों दिन
ऐसे ही जाएगा। अभी मुझको बॉम्बे का पता नहीं, आप लोग बताएंगे। छत्तीसगढ़ में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये वो, ऐसे बहुत सारे एमए के कोर्स हैं जिसमें लोग एडमिशन नहीं लेते हैं अब, या दो या चार एडमिशन हो रहे हैं, जहां एक कॉपी को पास करने के लिए, एक पेपर को पास करने के लिए लोग 2000 रुपये लेते थे। अभी हालत यही है कि फोन चल के आते हैं स्टूडेंट्स के पास में, तुम्हारी कॉपी है, हिसाब किताब कर लो। अभी वो डिपार्टमेंट्स को अपना डिपार्टमेंट बचाना मुश्किल हो रहा है कि यदि लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो डिपार्टमेंट खत्म होगा, है ना। तो इस शिक्षा का हश्र शायद शिक्षा में, शिक्षा के नीति बनाने वाले लोग तो पता नहीं कितना सोच पाएंगे, लेकिन जनमानस बताएगा कि इन कोर्सेज की हमको जरूरत नहीं है, इन कोर्सेज को बंद करो। तो जिन कोर्सेज की आदमी की जिंदगी में उपयोगिता नहीं है वो कोर्सेज, तो ये सारा कुल मिला के शॉर्ट में कहा जाए वो धरातल ही गलत है जिस पे हम खड़े हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न ही ठीक नहीं है, स्वमूल्यांकन प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसका एक डिजाइन है, उस पर बात की जा सकती है, एक बार शिविर पूरा हो जाए। उसका इससे मतलब नहीं कोई सोल्यूशन, उसका भी है सोल्यूशन, उसका भी है। अब यदि अभी इसी धरातल पे यदि बात करें तो जैसे ही स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश, अभी कोई रिलेशन नहीं है, और अभी अभी उनको यह भी नहीं लगता है कि हमको पढ़ाई से कुछ मिलेगा, तो यदि उनके भीतर एक स्टूडेंट और टीचर्स, एक स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आता है, स्टूडेंट्स को अपने जीने के रिलेशन समझ में आता है, टीचर का उनके साथ में रिलेशन नजर आता है, तो ये बहुत सारी चीजें अपने आप हैंडल होने शुरू हो जाती है। उनके बावजूद मैं तो वो स्थिति की बात कर रहा हूं जब 100% हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो अभी दो स्टेप हैं, इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन रेगुलर एजुकेशन, इंडक्शन ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन रेगुलर एजुकेशन, दिस इज वन स्टेप फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट नाउ। जैसे जैसे हमारे पास समाधान स्वावलंबी, स्वावलंबन से संपन्न टीचर खड़ा होता है, फिर हम एक मानवीय शिक्षा को लॉन्च कर सकते हैं जहां एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं होगा, जहां स्वमूल्यांकन होगा, समझो जियो बात खत्म। फिर शिक्षा कैसी होगी? फिर शिक्षा उम्र आधारित होने की बजाय योग्यता आधारित होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए शिक्षा की, जीने के लिए शिक्षा? वास्तव में होना क्या चाहिए? जीने के लिए शिक्षा। जीने के लिए शिक्षा के लिए मान लिया 100 मॉड्यूल्स बन गए, है ना। 100 मॉड्यूल्स में स्टूडेंट तय कर सकता है कि कुछ मॉड्यूल, समझदारी सबके लिए कॉमन, स्किल्स सबके लिए अलग अलग, तो समझदारी के लिए जो मॉड्यूल होगा वो उसका 100 मॉड्यूल हो गया, अपनी जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है जितने टाइम में वो क्रॉस कर जाए वो स्वयं लिख के देगा कि मैं इसको समझ गया हूँ। हम कह देंगे भी जो ये समझा है हमारे सामने इसने लिखा है, हम भी इस पर साइन कर रहे हैं, तुम समझे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी भी इंटरव्यूज में कौन सर्टिफिकेट देखता है? केवल आपका बायोडाटा रहता है, इंटरव्यू होता है, आपकी अपॉइंटमेंट होती है, वैसे भी अभी भी कौन देख रहा है? तो धीरे धीरे, है ना, तो अभी का माहौल भी इससे बेहतर होगा, फिर धीरे से कंप्लीट हम उस माहौल तक पहुंच सकते हैं जहां टीचर वाकई में टीचर होगा और जिएगा। अभी स्टूडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है या मैनेजमेंट की है, सारी घंटी उसके गले में बजती है, और स्टूडेंट जो बहुत जिम्मेदार होना चाहिए वो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की जगह में खड़ा है। अभी मैं, आप भी ऐसा देखते होंगे, हर क्लास में से 3-4-5 लड़के ऐसे होते हैं जो एकेडमिकली काफी साउंड होते हैं, है ना। तो इन 3-4 एकेडमिक्स के ढंग से देखा जाए तो ये सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर क्लासेस ले ही सकते हैं, ये मैनेज कॉलेज के मैनेजमेंट में बहुत सारी जगह पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। बिट्स पिलानी का नेवल कॉलेज पुणे में है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का देखता है, और फाइनल ईयर का वहां का स्टाफ देखता है, और पूरा अभी वो उसमें कोई समझ का वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी रूटीन कॉलेजेस से काफी बेहतर वो लोग मैनेज करते हैं, ऐसा वहां के स्टूडेंट्स बताते हैं। तो शायद संभावनाएं बहुत है। वो समस्या वो नहीं है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो इतना वास्ट सब्जेक्ट्स हैं ये समझ ना आने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई किसी और को अगर वो किसी टीचर से पूछना चाहे या टीचर से करना चाहे तो वी हैव अ मेंटरिंग सिस्टम, दिस दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर इन प्लेस। सो ऐसा ये है कि भाई कोई स्टूडेंट को समझाने वाला नहीं है, वो गलत बात है। बट एज यू सेड 5% स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, देयर आर 5% स्टूडेंट्स हु आर
बस एंड दे इट इज नॉट दैट दे ऑल दे फील दैट दे कैन गेट अवे विद इट आई मीन उनके वो जैसे आपने कहा कि वो सड़क पे वो खड़े हो गए मतलब इट इज मोर ऑफ अ एडवेंचर यू कॉल इट यू फील के वाई द हेल यार हर क्लास में 5% लॉट ऐसा है जो बहुत पॉजिटिवली और 5% ही ऐसा है जो उस डायरेक्शन में है तो ये 5% कितने को प्रभावित कर पाता है ये कम हो पाता है वो जो 5% नेगेटिव है ये काफी लोगों को खींच लेता है सो वो जो मतलब दी इश्यू इज इश्यू वाज वेरी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडल वेदर इट कैन बी अप्लाइड इट कैन बी चीजें काम करती हैं कुल मिला के आदमी और आदमी के वो जैसे जैसे सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन वाला मामला आता है हम अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते जाते हैं और एनर्जी के चैनलाइज होने की बात है फिर उस सिस्टम में भी काफी कुछ बेहतर हो पाता है और फिर नए सिस्टम भी क्रिएट किए जा सकते हैं जहां इसकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ भी हम काम कर सके चलिए ये अभी ए और बी के बीच में बात नहीं हुई है ना अब बात होना शुरू होती है हाँ एक सूत्र जो काम करता है देखिए अभी ऊर्जा का आदमी की ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा नेगेटिव से जूझने में अपने भीतर बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स के गुजरने में परिवार में या इंस्टीट्यूशन में ज्यादा ऊर्जा नेगेटिव वाले मामले में उलझी हुई है यदि वाकई में मैं स्टूडेंट से पूछ के देखता हूं कि 24 घंटे में से कितने घंटे आपके क्रिएटिव हैं क्रिएटिव आवर्स कितने हैं आधा से एक घंटा से ऊपर कोई नहीं बोल पाता 24 घंटे में है ना तो जब हमारा 24 घंटे में से आधा घंटा मुश्किल से हम कहने की हिम्मत कर पाते हैं और अभी हमारी क्रिएटिविटी की डेफिनेशन भी कुछ और है ना तो इस तरह से जब हम तो सूत्र काम करता है अब जब हम समझदारी के पथ पे आते हैं तो क्या सूत्र काम करता है कि जागृति पथ पर कदम रखते ही सारा शाप ताप शोक शांत हो जाता है जागृति पथ पर कदम रखते ही सारा शाप ताप शोक शाप मीन्स जो दूसरों का आपके प्रति एक नेगेटिव रवैया है ताप हमारे खुद के भीतर जो आवेश है शोक दुख है ना जागृति पथ पर कदम रखते ही सारा शाप ताप शोक शांत हो जाता है ना? इतनी सारी एनर्जी है ना वो पॉजिटिवली चैनलाइज होती है सही समझने और जीने के लिए चैनलाइज होती है किसको फुर्सत है कि पड़ोसी क्या करता है ना मैं अपनी पूर्णता के लिए प्रयासरत हो जाता हूं इस पॉइंट पे जो कंपटीशन का मीनिंग है वो बदल जाता है ना अभी जो प्रतियोगिता का मीनिंग है जैसे टेंशन हमको स्वीकार है कि नहीं प्रतियोगिता से टेंशन होता है कि नहीं होता है प्रतियोगिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए देखो कैसा कॉन्ट्राडिक्शन टेंशन चाहिए नहीं टेंशन चाहिए नहीं टेंशन नहीं प्रतियोगिता से टेंशन होता है हाँ प्रतियोगिता होना चाहिए हाँ क्या मामला है गड़बड़ है बहुत गड़बड़ और मामला विकास होगा माने विकास होने के लिए आदमी का असंतुष्ट रहना जरूरी है मान लिया विकास क्यों होना चाहिए ताकि हम संतुष्ट हो जाएं और असंतुष्ट रहे बिना विकास होना नहीं है ये फंस गया मतलब कि सब सोते बैठते चाहिए बाकी कुछ करना नहीं है हम क्या कह रहे हैं ये हमको नहीं मालूम है हम कुछ कह रहे हैं ये हिप्नोटिज्म है प्रतियोगिता होना चाहिए जो साथ वाला है उससे पहले समाधानित होने के लिए प्रतियोगिता होना चाहिए पहले समझदारी हो उसकी प्रतियोगिता होनी चाहिए हम ऐसा मानते हैं कि प्रतियोगिता होनी चाहिए उसमें पहला नंबर हमारा ही होना चाहिए सब कुछ हमारा होना चाहिए और तकलीफ नहीं होनी चाहिए है ना अब प्रतियोगिता का अर्थ समझिए ये ठीक बात है
प्रतियोगिता का अर्थ है कंपटीशन। कंपटीशन शब्द बना है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब है योग्यता, है ना। तो बेसिकली योग्यता को बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है, तो बेसिकली प्रतियोगिता का अर्थ है स्वयं में, स्वयं से, स्वयं की पूर्णता के प्रति योग, प्रतियोग, प्रतियोग, प्रतियोगिता कहें, प्रयास, प्रतियोग कहें, प्रयास कहें। स्वयं में कंपटीशन है, कहां है कंपटीशन? स्वयं में। किससे है? स्वयं से है। किस बात के लिए है? स्वयं के कंप्लीटनेस के लिए है, स्वयं की पूर्णता के लिए है, मेरे अधूरेपन से मुक्ति के लिए सारा प्रयास है। एक मां क्यों बच्चे को उकसाती है कि उससे अधिक? क्योंकि इसलिए कि ये और बेहतर हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मेरे आना चाहिए या दूसरे से अधिक आना चाहिए? 100 में से 100 सब क्या आ सकते हैं, है ना। तो 100 में से 100, है ना। अभी 2-3 साल पहले सीबीएसई बोर्ड में 3,500 बच्चों के 100 out of 100 थे, है ना। बढ़िया है, क्या दिक्कत है? तो मैं, मेरी मानव की पूर्णता के लिए, अब यदि पूर्णता को हम क्लैरिफाई कर दें, फिर हम सभी एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। फिर आप कितने समझ, आप यदि अधिक समझदार होते हो तो ये मेरे लिए उपलब्धि है कि आप जैसे आदमी को पाके मैं अपनी समझदारी को पूरा कर लूंगा। क्योंकि तो समझदार आदमी का कुल मतलब कितना है? दूसरों को सहयोग देने की क्षमता का बढ़ना, दूसरों को सहयोग देने की क्षमता का बढ़ना, यह समझदारी का मतलब है। कोई व्यक्ति आपको सहयोग देगा, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। और आप किसी के लिए सहयोगी होते हो, ये उसको भी अच्छा लगता है। तो बेसिकली सारा मामला मेरी स्वयं की पूर्णता के लिए यात्रा है, ये क्लैरिटी बन जाए और मेरे को समझ में आ जाए कि पूर्णता क्या चीज है, उसके लिए मैं किसी का सहयोगी, कोई मेरा सहयोगी, कुल मिला के सारा शाप ताप शोक शांत हो, तो यहां लड़ाई बंद हो गई, है ना। तो पूर्ण ज्ञान होने के बाद हम ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होंगे, बल्कि ठीक ढंग से जागृति पथ पर कदम रखते ही हम अपनी यात्रा को शुरू हो जाते हैं। तो ये बात, तो प्रतियोगिता का अर्थ बदल जाता है, सही मायने में हम कुछ अपने भीतर जोड़ पाते हैं, नहीं तो माइनस ज्यादा कर लेते हैं। इसलिए इसलिए यदि नहीं समझ में आता है तो दूसरा सूत्र काम करना शुरू कर देता है। क्या? मानव को जितना उन्नता अवकाश है उतना ही अवनता अवकाश है। मानव को जितना ऊंचा उठने का अवसर प्राप्त है उतना ही नीचा गिरने का भी अवसर प्राप्त है। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, है ना। मानव को जितना उन्नता अवकाश प्राप्त है, कैसे वो स्वीकार करता है और कौन सी पद्धति चुनता है उसके ऊपर उसका गिरना और उठना है। क्या प्रमाण हुआ?